फ्रेंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। फिलहाल फ्रेंड जो टिकटॉक है इंडिया में दोबारा से इसको चालू कर दिया गया है। टिकटॉक के जितने भी यूजर हैं उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि दोबारा से वो टिकटॉक चला सकते हैं और अपने वीडियो को बना के कंटिन्यू रख सकते हैं। फ्रेंड देख लीजिए टिकटॉक मेरे बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसा कि टिकटॉक पहले चलता था, उसी प्रकार वीडियो आ रही है, मतलब सब कुछ सेम है। बस टिकटॉक जो है प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। इसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल समझ आ जाएगा और फ्रेंड आप भी टिकटॉक को डाउनलोड कर पाओगे और अपनी वीडियो उनको डाल सकोगे। फ्रेंड देख लीजिए मैंने जो अपनी आइडिया उसको भी लॉगिन कर रखा है टिकटॉक पे, देख लीजिए सब कुछ बता रहा है। सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करता हूँ, जो मेरा टिकटॉक है इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो टिकटॉक हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको पूरा मेथड इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई कैसे टिकटॉक को डाउनलोड करना है और कैसे चलेगा। भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका छोटा भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता है कि भाई लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्रोम ऐप इसको ओपन कर लेते हैं। क्रोम ऐप को ओपन करने के बाद आपको फ्रेंड आपको सर्च करना है टेक्निकल परिवार, देख लीजिए टेक्निकल परिवार आपको सर्च कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देगा टेक्निकल परिवार, इस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की साइड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा अनबैंड इंडिया में भी चल रहा है टिकटॉक। तो नीचे की साइड पर आपको कंटिन्यू रेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे इस पर क्लिक करते हो तो पूरा ये खुल जाएगा नेक्स्ट पेज, आपको नीचे एक साइड स्लाइड करना है इसको। फ्रेंड जब आप नीचे एक साइड स्लाइड करते जाओगे तो आपको यहाँ पे एक दिख जाएगा लिंक, ठीक है, डाउनलोड अनवैड टिकटॉक इस प्रकार का आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो फ्रेंड ये आपको दिखा दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने दोबारा से ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई क्रोम में खोलोगे, ड्राइव में क्रोम पे क्लिक कर देना। क्रोम पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार के एक और पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड अब आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, 90 MB का ये ऐप है। तो फ्रेंड जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 90 MB का ये ऐप है, थोड़ा टाइम लगेगा, डाउनलोड होने दीजिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसको चला के बताऊंगा पूरा। तो हमारा जो फ्रेंड जो टिकटॉक डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से कंटिन्यू करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है इसको इंस्टॉल होने में, ज़्यादा MB का ऐप है इसलिए। तो फ्रेंड सिंपली यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो ऐप है इंस्टॉल हो चुका है। फ्रेंड इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद हम आप इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन पे क्लिक कर देते हैं हम। तो फ्रेंड जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं सेम जो पहले वाला टिकटॉक था उसी प्रकार खुलेगा। ये मांगेगा कि भाई आपको कैसी वीडियो पसंद है, कॉमेडी वगैरह, क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देना। पहले फ्रेंड मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट करोगे फ्रेंड आपके सामने इसका होम पेज टिकटॉक का ओपन हो जाएगा, यानी कि जो पहले था वैसे ही ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा टिकटॉक है ओपन हो चुका है, अब आप इस पे वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसी प्रकार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देख सकते हो पूरी वीडियो यहाँ पे चल रही है। तो फ्रेंड आप भी टिकटॉक के यूज़र है तो आप वीडियो बनाते थे तो आप दोबारा से आप वीडियो कंटिन्यू रख सकते हो, टिकटॉक को यूज कर सकते हो। पूरी तरह इंडिया में टिकटॉक चल रहा है फिलहाल। अब मैं आपको जो मेरी आईडी है टिकटॉक की उसको ओपन करके भी बता देता हूँ कि भाई टिकटॉक की जो आईडी है लॉगिन हो रही है नहीं हो रही। सिंपली फ्रेंड मैं इस पर साइनअप पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद जो मेरी आईडी है उसको लॉगिन कर लेता हूँ फेसबुक से। तो यहाँ पे मैं जो मेरी आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो कि जो मेरी फेसबुक आईडी यहाँ पे खुल रही है, मांग रहे, तो मैं डाल के यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हो कि जो मेरी आईडी है लॉगिन हो चुकी है, पूरी तरह से बता रहा है टिकटॉक कि भाई ये आपकी आईडी है और ये मतलब सब कुछ ये बता रहा है, देख लीजिए आप सब कुछ ये बता दिया। तो फ्रेंड आप भी टिकटॉक चलाना चाहते हो तो इस प्रकार आप चला सकते हो, पूरा मेथड मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैंने आपको टिकटॉक के बारे में बताया, पूरा समझ में आ गया होगा। भाई लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को देख के आपने भी टिकटॉक को दोबारा से डाउनलोड किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भाई लोग अगर भाई के चैनल पे फर्स्ट बार आप आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई लोगों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक अच्छे और मज़ेदार ऑफर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, राम राम।